हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आई हूँ। दिस टाइम इट्स अबाउट डीकूपाज बॉटल। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जो कि एक टाइम लैप्स फॉर्मेट में है, क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है तो हमने जल्दी जल्दी करके दिखाया। सो वेलकम टू सृजनाथ स्टूडियोज नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले मैंने एक साफ़ सी कांच की बॉटल ले ली है, जिसे मैंने प्रॉपरली क्लीन कर लिया था। और मैं सबसे पहले इसमें एक वाइट एक्रेलिक वाइट कलर का फर्स्ट कोट कर रही हूँ। ये इसमें स्पंज की हेल्प से लगा रही हूँ, बिकॉज इससे बहुत इवन कोट अप्लाई होता है। आप ब्रश से करेंगे तो उससे लाइंस आ जाती है, तो इससे इट इज़ बेटर कि आप स्पंज यूज़ करें। अब हमने इसको हेयर ड्रायर की हेल्प से सुखा लिया है टाइम की कमी की वजह से। और अब मैं इसमें एक सेकेंड लेयर ऑफ एक्रेलिक वाइट कोट इसमें लगा रही हूँ। मैंने इसमें टाइटेनियम वाइट कलर लगाया है, जो कि है फेविक्रिल कंपनी का एक्रेलिक कलर। अब जब ये दोनों लेयर्स अच्छे से सूख गए हैं, हम डीकोपाज प्रोसेस शुरू करते हैं इस पर। ये एक डीकोपाज नैपकिन है जो कि मैंने मार्केट से परचेज़ करा है। उसको मैंने जो डिज़ाइन मैं चाह रही थी बॉटल पे, उस हिसाब से टियर कर लिया है, फाड़ लिया है, और उसके बाद मैंने प्लेस करके देखा एंड जैसा मुझे ठीक लगा फिर मैंने इसको स्टिक करना शुरू कर दिया। मॉड पॉज ग्लू आती है मार्केट में, जो कि ये डीकोपाज नैपकिन्स को स्टिक करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही पतली ग्लू होती है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आप बहुत एक पतली लेयर लगा के अपने नैपकिन को चिपकाएंगे, ये पता भी नहीं चलती, दिखाई भी नहीं देती बिल्कुल भी। और हमें फिर से इसको कम्प्लीटली ड्राई होने तक का वेट करना है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर ड्राइंग। तो अब जब ये बॉटल सूख गई है, तो अब हम जो इसका प्लेन वाइट एरिया रहता है कॉर्नर्स में, हम उसको पेंट करेंगे। ये हम छुपाएंगे कैसे, ये हम ऐसे करते हैं कि हम सिमिलर कलर क्रिएट कर लिया मैंने, जैसे ये फ्लावर्स और लीव्स का है, उसी से थोड़ा कैमोफ्लाज इफेक्ट देंगे हम। सिमिलर कलर के कुछ फ्लावर्स या फिर लीव्स जैसे सा हम बैकड्रॉप बना देंगे, सो दैट ज़्यादा डिफरेंस ना दिखाई दे कहाँ नैपकिन ख़त्म हो रहा है, कहाँ प्लेन एक्रेलिक कलर या फिर हमारा ये प्रिंटेड एरिया शुरू हो रहा है। दूर से देखने में बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपको। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो और भी कोई वीडियो देखने का मन हो मेरे चैनल में, तो मैंने यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपने चैनल वीडियोस का एक लिंक दिया हुआ है। वहाँ जाके आप मेरी और भी ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हैं और कई नए DIYs घर में ट्राई कर सकते हैं। जो जो सामान मैंने इस वीडियो में यूज़ करा हुआ है, अगर आपको अपने नियर बाय शॉप्स पर ये अवेलेबल ना हो और आप ऑनलाइन लेना चाहें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप जहाँ से ऑनलाइन ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे हमने डिज़ाइन बिल्डअप करा है, कहीं लीव्स बनाए, कहीं फ्लावर्स बनाए, कहीं डार्क कलर की लीव्स, कहीं लाइट कलर की लीव्स, धीरे धीरे हमने ऐसा डिज़ाइन बनाया सो दैट वो अजीब सा ना लगे और फ्लैट सा ना लगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैंने ऐसा करा है। और सेम कलर का मैंने थोड़ा थोड़ा टच जो है अपने प्रिंटेड एरिया पर भी दिया है, और गोल्डन कलर का भी मैं शेड दिया है मैंने यहाँ पर, सो दैट एक शाइन सा भी आ जाए। और जो टच दिया है मैंने ग्रीन कलर का, सो दैट वो अगर थोड़ा भी शेड में ऊपर नीचे हो रहा हो तो वो आपके डिज़ाइन में भी सिमिलर शेड दिखे, तो आप लीव में वो वाला ग्रीन कलर जैसा टच दे सकते हैं, और पीच कलर का भी आप टच दे सकते हैं। सो अब हमारी बॉटल कम्प्लीटली ड्राई हो गई है, इसका पेंट भी सूख गया है, तो अब हम इसकी नेक को डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मेरे पास घर का कुछ DIY प्रोजेक्ट मैंने पहले जब बनाए हुए थे, तो उसके कुछ फ्लावर्स, कुछ नेट, कुछ रिबन पड़े हुए थे, तो मैं उसी को यूज़ करके इस बॉटल को डेकोरेट करूँगी।
ऐसी डेकोरेशंस के लिए एट टाइम्स आपको ट्रायल एंड एरर का मेथड अप्लाई करना पड़ता है। नई नई चीज़ें ट्राई करके देखिए। ये नेट मैंने ट्राई करी बट मुझे कुछ समझ में नहीं आई, तो मुझे जैसे गोल्डन पसंद है तो मैं आई एम गोइंग विद दिस गोल्डन रिबन। एक बहुत ही सटल गोल्डन रिबन है जो कि मुझे अच्छा लगा इसकी शाइन, जो कि मेरी बॉटल को भी एक अच्छा लुक देगी। तो मैंने इसकी पूरी नेक पे इसको बांध दिया है। आपको वैसे अगर कुछ बहुत ही सोबर चीज़ पसंद हो तो जो ट्वाइन रोप्स आती है वो भी बहुत अच्छी होती है, जूट की रोप्स। मैंने ये फोटोग्राफ दिखाई है, आपको समझ में आ रहा हो तो, नहीं तो ऑनलाइन मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी लगती है नेक पे, आप इसे वाइंड करते हैं और बहुत अच्छा लुक आता है फेविकोल के थ्रू। और इसमें चाहें तो वैसे ही फ्लावर्स लगा सकते हैं, मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने ये रिबन ट्राई कर लिया और मैं इसमें फ्लावर्स लगाऊंगी। इसमें भी आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, लगा लगा के देखिए कौन सा कलर ज़्यादा सूट करता है आपके डिज़ाइन के साथ। एक कलर तो परफेक्ट मैच था मेरे डिज़ाइन के साथ, दैट इज़ दिस पीच फ्लावर। साथ में मैं देख रही थी क्या सूट करता है, तो मुझे ये ऑरेंजिश रेड सा कलर है ये अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो आपका दूसरा कलर हो, आप दूसरे फ्लावर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, आप अपोजिट कलर्स के साथ भी देख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर्पल लगा के देख रही हूँ बट कुछ जमा नहीं मुझे ये तो मैं इसे रिमूव कर दूँगी। एंड दिस इज़ हाउ माई बॉटल लुक्स। एक चीज़ और मैं इसमें करना चाहूँगी, ये एक मेरे पास गोल्डन थ्रेड है, ये इसमें बीच में एक मेटल वायर होती है, तो जैसा आप छोड़ते हैं ये डिज़ाइन वैसे ही रहता है, मतलब लूज़ नहीं फॉल अप आउट करता। तो ये एक मैंने लास्ट ब्लिंग ऐड कर दिया इसमें और मेरे हिसाब से ये बॉटल अब कंप्लीट है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अच्छा लग रहा है ना आपको? आई होप आप लोग को पसंद आया हो मेरा ये डीकूपाज बॉटल प्रोजेक्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करिए और भी ऐसी अच्छी ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।